अच्छा यार, मैंने बीच में सोचा था कि मैं अपनी ऑडी Q7 को रिटेन करूंगी, हम उसको बेचेंगे नहीं, उसको रख लेते हैं कार को। लेकिन ना दिल्ली में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा नहीं आप रख नहीं सकते हैं, MCD वाले गाड़ी को उठा के ले जाएंगे, तो ये वाली चीज़ होगी। पहले मुझे लगा था कि यार नहीं, जिस टाइम पर मैंने कार ली मेरे पापा थे तो मुझे रखनी चाहिए, मेरी सक्सेस की पहली सीढ़ी वो गाड़ी थी, जो सोचा ना कि हाँ यार जहाँ से मुझे कुछ लगा कि मैंने कुछ उखाड़ा है लाइफ में, तो वो Q7 मेरी कार थी, मेरे डैड थे, बहुत सारी चीज़ें थी कि यार रखनी चाहिए, मेरी दिल के बड़े करीब है। लेकिन MCD आपके घर में नहीं रहने देगा दोस्त, डीजल की गाड़ियाँ 10 साल के बाद उठा के ले जाएंगे और पेट्रोल की गाड़ियाँ 15 साल के बाद उठा के ले जाएंगे, और ये जी वैगन मेरे आगे आगे क्यों चल रही है। तो मुझे वो गाड़ी बेचनी है और मैं गाड़ी प्लान कर रही हूँ, जी वैगन बिल्कुल मेरे आगे आगे चल रही है पूरा टाइम से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ये तो नहीं कह रही कि मुझे नेक्स्ट कार जी वैगन खरीदनी चाहिए। लेकिन नहीं, जी वैगन ये गाड़ी मुझे पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को जीप स्ट्रक्चर में जब भी हम लोग आते हैं ना, तो मुझे वहाँ पे थार ही ठीक लगती है कि वहाँ ठीक है यार, मेरे को इतना ही शौक है, जितना मेरा शौक है उतना वो ठीक है कार। तो यार गाड़ी तो देखो ये बेचनी पड़ेगी, और मैंने सोचा था कि पहले मैं Q7 ना अपने पेरेंट्स को दे देती हूँ, लेकिन उनको दी वो उनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, पसंद इन द सेंस उनको लग रहा है इसका मेंटेनेंस इतना कॉस्टली है, अभी हर साल अभी जो भी इसके 2-3 साल बचे हैं उसमें इसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस ही 1-1.5 लाख का होता है, तो नहीं वो उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं यार हमें नहीं चाहिए, भैया तुम अपनी गाड़ी अपने पास रखो। तो मुझे ना उनके लिए कोई इन बजट और कम्फर्टेबल कार देखनी है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं एक इन बजट एक कार खरीदते, ज़्यादा महंगी महंगी गाड़ी की तरफ नहीं जाते, जहाँ पर कंफर्ट हो, जहाँ पर रिलायबिलिटी ड्यूरेबिलिटी हो, उसमें मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा कंफर्ट को लेके जो गाड़ी दिमाग में आती है दैट इज़ इनोवा, और इनोवा हाई क्रॉस मैं प्लान कर रही हूँ कि उस गाड़ी को ख़रीदते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, ताकि वो कंफर्टेबल भी रहे, बजट में भी रहे, और ज़्यादा उसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा ना हो, ताकि वो लोग ईजिली उस चीज़ को मेनटेन कर पाएँ। Q7 के बदले मैं प्लान कर रही हूँ अब इनोवा हाई क्रॉस को। अच्छा यार, गाड़ियों से याद आया मुझे कि गाड़ी हम लोग ख़रीद लेते हैं, सर्विस भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो सर्विस के लिए ना अगर आप कंपनी में कराते हैं तो बड़ी कॉस्टली पड़ती है, हम बाहर से कराते हैं तो कई जगह अच्छी होती है, रिस्क होता है यार, पता नहीं होता हमें कि ट्रस्टेड कहाँ कराया, किसका मैकेनिक सही है, तो गो मैकेनिक मुझे बहुत वो लग रहा है कि अभी मैंने अपनी खुद की गाड़ी अपनी वॉल्वो करवाई है, जो मैंने आपको बताया था कि पुरानी हो गई, हमने लखनऊ भिजवा दी है वो गाड़ी, तो उसकी सर्विस होनी थी, तो कंपनी ने उसका एस्टिमेट दिया था अराउंड 28,000, और गो मैकेनिक उसकी सर्विस कर रहा है अराउंड 16-17 हज़ार रुपये के अंदर ही, तो वो मुझे बहुत वो लगा, और हमने इसको करवाया एंड यस रियली मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। तो चलो एक बार चलते हैं गो मैकेनिक, दिखाती भी हूँ आपको ना खुद से, क्योंकि लखनऊ वाले में तो मैं नहीं थी, यहाँ वाला आपको विजिट भी कराती हूँ प्रॉपरली। चलिए अब हम लोग आ गए हैं गो मैकेनिक, और ये हैं रोहित। अब रोहित हमें एक्सप्लेन करेंगे गो मैकेनिक एग्जैक्टली वर्किंग कैसे करता है। जो सबसे पहली मेरी नज़र पड़ी है वो है इनके स्पेयर पार्ट वाले इस यूनिट पर, कितनी वारंटी देते हैं आप पार्ट्स के ऊपर? हम ये अकॉर्डिंग टू कंपनी, जैसे हम हुंडई का यूज़ करते हैं तो हुंडई जो वारंटी देती है वही वारंटी हम देते हैं। अच्छा, जो कंपनी आपको ऑफर करता है सेम आप वही दे देते हैं, आपके पास जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं? ओके, टोयोटा लेक्सस जेन्युइन पार्ट्स। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आप सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं? हम बेसिकली हमारे पास ऐप में भी आप चेक करेंगे तो 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं, बेसिक सर्विस होती है, स्टैंडर्ड सर्विस होती है एंड कॉम्प्रेंसिव सर्विस होती है मैम। ओके, अच्छा रोहित एक चीज़ मुझे बताइए जो सबसे बड़ा डाउट मेरे दिमाग में है, हम अपनी वॉल्वो की सर्विस करा रहे हैं कंपनी से, जो हमने एस्टिमेट लिया दैट इज 28,000, गो मैकेनिक उसी सर्विस को 17,000 रुपये में कर रहा है, 17-18 हज़ार रुपये में, तो आपने कॉस्ट कटिंग कैसे करी है? मैम पार्ट्स सारे वही ओरिजिनल मिलेंगे, बेसिकली जो उसमें लेबर चार्जेस एक्स्ट्रा एड ऑन होता है वो हमारे पास कम हो जाता है। अच्छा, सर्विस पे आप कोई वारंटी देते हैं? हाँ जी मैम, ये 1 मंथ का वारंटी दिया जाता है, 1,000 किलोमीटर का वारंटी हम देते हैं। 1 मंथ 1,000 किलोमीटर का आप वारंटी हमें देते हैं। अच्छा रोहित, कोई मेंबरशिप वगैरह भी हमें मिलती है? यस मैम, हमारी साइड से माइल्स मेंबरशिप दिया जाता है। इसमें कितने पैसे देने पड़ेंगे भाई? माइल्स मेंबरशिप मैम सभी गाड़ियों का अलग अलग होता है अमाउंट। X7 पे लेना है तो मेरी गाड़ी कहीं पे भी मुझे खराब होगी आपको बुलाना है, अराउंड 3,000 3,500 का अराउंड होगा। आप आके वहाँ पे गाड़ी को ठीक करके जाओगे?
जंप स्टार्ट है तो हम जंप स्टार्ट हो जाएगा अगर टोई की वारंटी में सिर्फ जंप स्टार्ट ही दे रहे, और भी तो बता रहे थे ना कि कहीं खराब होगी तो वहाँ पे भी आऊंगा मैं, वहाँ आएंगे ना, लेकिन काम वर्कशॉप पे ही होगा, अच्छा काम वर्कशॉप पे होगा। तो चलो ये तो आपको थोड़ा सा मैंने गो मैकेनिक समझाया कि हाँ ये भी एक अच्छी चीज़ है, आजकल गाड़ियों की सर्विस गाड़ियाँ खरीदते बहुत रहते हैं, सर्विस भी बहुत बड़ा मेन फैक्टर होता है, तो ये एक वर्कशॉप इनका प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी जगह पर, कितने आपके आउटलेट्स हैं रोहित ये? मैम ऑल ओवर गुड़गांव देखे तो 25 to 30 अराउंड है। अच्छा चलिए रोहित, जैसे सपोज मुझे अपनी गाड़ी सर्विस करानी है किसी और को करानी है, तो हम लोग रैंडम लेके आ जाएं या आपको ये प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा? मैम आप ऐप के थ्रू भी बुकिंग कर सकते हैं, आप ऐप पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आप अपनी गाड़ी चूज़ करने का, आपका गाड़ी में कौन सा वेरिएंट है, पेट्रोल है या डीजल है, आप वहाँ से चूज़ कर लीजिए अपना टाइम स्लॉट, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और टाइम स्लॉट मुझे चेंज करना पड़ गया कि उस दिन मैं नहीं आ पा रही? मैम बहुत इजी है, आपको पास भी ऑप्शन आ जाएगा, या तो आप अपने सर्विस बडी से भी कह सकते हैं कि मेरा रिशेड्यूल कर सकते हैं आप। ओके, सर्विस बडी का नंबर, मैकेनिक नंबर और सब कुछ आ जाएगा, आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बहुत इजी है यार, मतलब आपको कोई ज़्यादा वो नहीं है। गो मैकेनिक के नाम से आपकी ऐप है? यस मैम। तो मुझे अच्छा आइडिया लगा यार, देखिए हाँ सर्विस तो करानी है और हर बार इतने पैसे क्यों खर्च करें, तो कम पैसे में अगर आपका काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है देन वाई नॉट। तो चलो अब चलते हैं हम लोग टोयोटा के शोरूम में और एक बार देख के आते हैं कि इनोवा हाईक्रॉस आ कब रही है, क्या उस गाड़ी का स्टेटस चल रहा है, और उसकी सर्विस हम यहाँ से कराएंगे नहीं कराएंगे वो भी बताएंगे आपको बाद में। चलिए तो चलो दोस्त, अब हम लोग आए थे यहाँ पर मथुरा रोड, आई थी मैं वॉल्वो के शोरूम में, मुझे XC40 रिचार्ज दिखानी थी आप लोगों को, तो मैंने गाड़ी शूट कर ली है। अब मैं जाऊँगी घर। घर जाने से पहले ना मुझे एक चीज़ ध्यान आई है कि हम लोग हाई क्रॉस की प्लानिंग कर रहे थे ना कि इनोवा हाई क्रॉस ले सकते हैं या लेने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कार है और हाइब्रिड में आ रही है तो बहुत बड़ा अट्रैक्शन दे रही है मुझे। तो यहीं पर पास में हमारा टोयोटा का भी शोरूम है मथुरा रोड पर, तो चलते हैं पहले हम टोयोटा शोरूम में और टोयोटा में चल के एक बार देखते हैं गाड़ी आ कब रही है, क्या उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। और वैसे मैं इसके इवेंट में भी जा रही हूँ मुंबई, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन एक बार शोरूम में चलकर वहाँ पर ये पूछना है कि शोरूम्स में कब आ रही है वो मुझे जानना है बेसिकली। चलो एक बार चलते हैं शोरूम में और पता लगाते हैं गाड़ी कब तक हमें अवेलेबल हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये जानना है उनसे कि डिलीवरी कब से स्टार्ट हो रही है, तो बुकिंग कब है डिलीवरी कब है ये मुझे आइडिया दे देंगे वो लोग, क्योंकि ना मुझे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इससे बेटर कार कोई नहीं लग रही है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये। प्राइस आपको बताऊंगी मैं जब इसका वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो प्राइस वगैरह सब उसके अंदर डिस्क्लोज करेंगे। तो ज़्यादा महंगी नहीं है, तो मतलब मेरे को अगर मैं ऑडी को बेचती हूँ Q7 को अपनी, तो बहुत कम से पैसे मिला के मेरे पास इनोवा हाई क्रॉस आ जाएगी, बहुत कम तो नहीं लेकिन हाँ थोड़े लगा के, ठीक है। तो ये मुझे सही आइडिया लग रहा है कि Q7 को निकालते हैं और हाई क्रॉस को लेते हैं। दोस्त हम लोग आ गए हैं टोयोटा के शोरूम में, यहाँ पे हाई क्रॉस तो नहीं है, टोयोटा इनोवा हमारे पास खड़ी हुई है और अब इसके अंदर बहुत कुछ चेंज होने वाला है। इसका पूरा वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी, ये गाड़ी आपको मैं दिखा दूंगी। डेट मुंबई जा रही हूँ मैं और वहाँ पर जाके फिर आपको दिखाती हूँ कार। सब कुछ चेंज है, इसकी लाइट ग्रिल सब कुछ, और बहुत ज़्यादा जैसे अभी ऐसी शेप लगती है ना, काफ़ी ज़्यादा हमें SUV की तरह दिखने वाली है, बहुत स्मार्ट लगेगी। पुरानी वाली इनोवा, पुरानी वाली तो नहीं लेकिन हाँ जिसको बहुत ज़्यादा कम लोग खरीदने वाले हैं, उसका इंटीरियर लास्ट बार देख लेते हैं, फिर तो मैं कभी नहीं देखने वाली, मैं तो हाई क्रॉस ही देखूंगी। चलिए अभी हम हैं 36 टोयोटा में और ये है पवन मेरे साथ, और पवन हमें चाहिए इनोवा हाई क्रॉस, मुझे पता है 25 को आ रही है, लॉन्च हो रही है, शोरूम में कब आ रही है वो मुझे आइडिया चाहिए। वो 25th को ही हम डिक्लेयर करेंगे, जब हम अच्छा तभी डिक्लेयर करेंगे, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद ही हम आपको। टोयोटा की साइड से अभी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, 25th को ही डिटेल्स आएंगी कार के, और डिलीवरी का तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, वो सेम डे कुछ आइडिया कितने टाइम में डिलीवर करेंगे, सेम डे कंफर्म कर पाएंगे वो आप। तो भैया टोयोटा के शोरूम में तो 36 टोयोटा तो हमें कुछ नहीं बता रहा, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना बुकिंग का कुछ है ना डिलीवरी का कुछ है, आपको 25 के बाद बताएंगे, शाम को बताते हैं 25th को ही आपको प्रेस रिलीज के बाद आपको। अच्छा प्राइस रिलीज के बाद बताएंगे, प्रेस रिलीज, अच्छा प्रेस रिलीज के बाद आप बताएंगे, ओके ऑल राइट, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके थैंक यू।
चलिए अब आपको ना कुछ मेन चीज़ें बताती हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कंफर्टेबल व्हीकल देख रहे हैं तो इनोवा आपकी चॉइस क्यों होनी चाहिए, वो मेन चीज़ें हाईलाइट करते हैं। आइए मेरे साथ देखिए, यहाँ पर ना रियर सीट में जो आपका कंफर्ट है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स ऑफर की जाती हैं जिसके अंदर आपकी जो सिटिंग है वो बहुत कंफर्टेबल है, स्पेशली फॉर योर पेरेंट्स। ये जो कंफर्ट है ना यार, ये आपको बहुत कम कार्स में मिलता है। मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट है, ना मैं फीचर्स देख रही हूँ, ना मैं ज़्यादा पावर देख रही हूँ, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए कंफर्ट देख रही हूँ कि वो कहीं पर भी आए जाएं बहुत कंफर्टेबली ड्राइव करें, क्योंकि ड्राइव उनको फास्ट भी नहीं चाहिए, ड्राइव में उनको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए कि ये वो, तो गाने भी नहीं सुनते हैं, तो बहुत सिंपल से पेरेंट्स हैं हमारे, तो उनके हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट चॉइस इनोवा होने वाली है। और ये जो गाड़ी हमारी है ना इनोवा, ये जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग है, ये हमारी लैडर ऑन फ्रेम है, मीन्स एक नीचे फ्रेम है जिसके ऊपर गाड़ी को बिल्ट किया गया है। अब ये गाड़ी आपकी मोनोकॉक आने वाली, मोनोकॉक में क्या होता है कि आपकी सिंगल यूनिट है, एक ही साथ पूरी गाड़ी को बनाया जाता है, जहाँ पर कंफर्ट आपका नेक्स्ट लेवल होता है। अगर लैडर ऑन फ्रेम पर होने के बावजूद ये गाड़ी इतना कंफर्ट आपको दे सकती है, तो मोनोकॉक में तो आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ तो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होने वाला है। कार के अंदर बहुत कंफर्टेबल सिटिंग आपको मिलेगी, इस चीज़ के लिए ही इनोवा फेमस है। लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जितने भी बिजनेसमैन वगैरह को देखेंगे ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रखते हैं, उनके पास इनोवा एक घर में ज़रूर होती है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पर इसके बराबर आपको कंफर्ट कोई और कार नहीं दे सकती है। और आप सबको पता है जो हमारी ये इनोवा है, ये हमारी डीजल के अंदर डिसकंटिन्यू हो गई है, कंपनीज की कोई बुकिंग्स नहीं ले रही है, तो वहाँ पर एक आपको बड़ा वो लगता है फुलिश सी चीज़ ना कि यार डीजल आपने डिसकंटिन्यू कर दी, क्योंकि ये गाड़ी मेनली डीजल में ही फेमस थी, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है, मीन्स हमें एवरेज चाहिए, लेकिन डीजल ही डिसकंटिन्यू हो गया, तो वहाँ पर हमें लगता है यार अब तो एवरेज मिलेगी नहीं, क्योंकि पेट्रोल में इतनी एवरेज आपको मिलती नहीं है। तो वहाँ पर जो टोयोटा कंपनी है वो बहुत स्मार्ट सोल्यूशन के साथ आई है कि वो हाइब्रिड कार लेके आ गई है, कि उसमें क्या है कि आपको ऐसा ऑप्शन उन्होंने दे दिया है जिसमें आपको डीजल से भी ज़्यादा एफिशिएंसी मिल जाएगी और कंफर्ट, तो आपको पता ही है कि माइंड ब्लोइंग है, आपको समझा दिया है मैंने। और जो सबसे बड़ी मुसीबत है जो आजकल की डेट में हम लोग सब फेस कर रहे हैं, 10 साल 15 साल वाला रूल, वो हाइब्रिड के केस में आपको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन देने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हैं जो आप कितने भी साल चलाइए, कितने भी किलोमीटर्स चलाइए, इनका कुछ नहीं होता है, तो वो भी हमारी सरदर्दी इस कार को लेने के बाद ख़त्म होने वाली है। और देखो यार, इंटीरियर तो इसका भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बहुत सुंदर इंटीरियर है, लेकिन अब जो आ रहा है वो माइंड ब्लोइंग आने वाला है। और जो एक सबसे बड़ी हमें शिकायत थी ना, सनरूफ नहीं होता इनकी गाड़ियों में, सनरूफ नहीं होता, तो हाईराइडर में तो आ ही गया था, लेकिन इस बार आपको इनोवा के अंदर भी मिलेगा, वो भी आपके लिए बहुत खुशी वाली खबर है कि अब हमारी इनोवा के अंदर ऐसी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है कि यार हमारी गाड़ी में ये नहीं होता, हमारी गाड़ी में सब कुछ होता है। और वो नॉर्मल सनरूफ नहीं दिया है कि छोटा सा आपको दे दिया है ऐसे ही बस नाम के लिए कर दिया है, प्रॉपर आपको फुल साइज़ पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। और यार एक और चीज़ थी जो बहुत सारे यंगस्टर्स की, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो वो लोग इस गाड़ी को नहीं कंसिडर करते थे कि ये MPV है हमारा, मल्टीपर्पज़ व्हीकल, और इसकी लुक भी आपको बहुत ज़्यादा MPV की ही तरफ लगती है, SUV जैसा लुक ये गाड़ी बहुत ज़्यादा आपको कम देती है। इस बार इस कार के लुक के ऊपर ज़बरदस्त काम किया गया है कि जो यंगस्टर्स है ना, जो हमारा यूथ है, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला है। मुझे सबसे मेन अट्रैक्शन इस कार के लुक से ही लगे हैं। तो दोस्त ये थी हमारी इनोवा, ये तो नॉर्मल इनोवा है, इनोवा हाई क्रॉस के लिए आप सब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, मैं आपसे भी ज़्यादा कर रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग इसका इवेंट होने वाला है, गाड़ी हमारी लॉन्च होने वाली है, और इसके इवेंट के लिए मैं जा रही हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली मुंबई, और वहाँ जाके गाड़ी की हर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आप लोगों से शेयर करूंगी, कितनी ज़्यादा प्यारी ये गाड़ी लग रही है, क्यों हम लोगों को ख़रीदनी चाहिए, और क्या वो बहुत सारे रीज़न हैं कि इनोवा पहले भी, आज भी और आगे भी फैमिली कार के टर्म्स में बहुत ज़्यादा फेमस कार रहने वाली है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे इनोवा हाई क्रॉस के साथ, अब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय। और अब मैं चलती हूँ थोड़ा घर, जाके जल्दी से करते हैं पैकिंग और पकड़ती हूँ अपनी फ़्लाइट।